यह है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर तथा 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा 6% 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है तो उसकी वार्षिक आय 661 हो तो कुल आय ज्ञात कुल धन कितना है ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा पहला 7% मतलब कि 7x/300 क्योंकि 1/3 है प्लस अगला हो जाएगा ये हो जाएगा आधा है तो मतलब कि 50 हो जाएगा प्लस और अगला जो दिया गया है 10% मतलब कि 1/24 हो जाएगा इक्वल टू के जितना कितना दिया गया है 500 ऐसा साधारण ब्याज के सूत्र पर हो रहा है और तीनों का लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 600 अब ये हो जाएगा 14x प्लस ये हो जाएगा 12x और प्लस ये हो जाएगा 25x इक्वल टू 661। अब यहाँ से जब जोड़ देंगे तो 51x इक्वल टू ये गुणा हो जाएगा तो 3366000 और यहाँ से कटा देंगे इसे x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6600 यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा।